ये मेरी तमन्ना थी और तमन्ना मेरा सोच मेरा आने का मन तब पैदा हुआ जब अहिर पूर्वा में ही हमारे पूर्वज के लोग एक दूसरे से मिलकर क्रांतिकारी जुझारू लड़ाकू अपने अपने तन से माता पिता मिलकर पैदा किए हैं उन व्यक्ति को जिन्होंने कभी हमारे देश की आजादी के लिए कुर्बान भी और कुर्बानी भी दिया है। आपको याद होगा बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते अपने आप को कुर्बानी दिया। उसी तरह से आज मैं अहिर पूर्वा के प्रांगण में जिस धरती पर खड़ा हूँ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। इसी प्रांगण के एक पुत्र थे जिनका नाम बकुल सिंह यादव था। आइए नीचे। उन्होंने भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते 14 अगस्त 1947 को एक महिला सहित अपने आप को देश के लिए कुर्बान किया था। मैं उस पिता को नमन करता हूं जिन्होंने अपने उस पुत्र का नाम दिया और सुपुत्र को जन्म दिया। जन्म देने वाला कोई और नहीं वापी का प्रांगण का वापी के बीच का शनिचर यादव थे जिन्हें आज हम लोग कह सकते हैं गार्जियन के रूप में अभिभावक के रूप में स्वर्गीय शनिचर यादव। उन्हीं का पुत्र सकुन सिंह यादव थे और उन्हीं के माध्यम से इस प्रांगण में हम लोग खड़ा है अंग्रेजों के माध्यम से लड़ाई लड़ते लड़ते अपने आप को कुर्बान कर दिए। अहिर पूर्वा एक और नाम से जाना जाता है आप सभी लोग जानते होंगे अंग्रेज के समय से ही अहिर पूर्वा जुझारू के नाम से जाना जाता है एक लड़ाकू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारे भीषण यादव हमारे राम स्वरूप वर्मा हमारे छल्लू परमान जैसे व्यक्ति का भी जन्म हुआ था जिन्होंने यहाँ के अखाड़ा परवान और परवानी को नाम रोशन करने का भी काम किया था। आप सभी लोग जानते हैं धरती पर जब अन्याय हुआ है तब तक किसी न किसी व्यक्ति को अवतार लेना पड़ा है। आपको पता होगा हम लोग एक दूसरे के बीच में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं लेकिन जब तक हम लोग एक दूसरे के घर भर के खड़े हैं तब तक हम लोग अन्याय को रोकने का काम किए हैं और अन्याय होने नहीं दिए। इसी तरह से बाबू कुंवर सिंह और बाबू सगुन सिंह यादव जी मिल करके अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई लड़ने का काम किया आज मैं उन्हें इस धरती पे आकर दोबारा नमन करने का प्रयत्न करता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि जब जब एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ा अब हमारे भाई
गायक मशहूर गायक छोटू छलिया ने आप लोगों के बीच में दो सप्ताह प्रोग्राम के रूप में बताने का काम किया। उसी रूप में आप लोग मेरा जो जान लें, जब जब हमारे यहाँ एक दूसरे का जन्म हुआ है तब तक धरती का न्याय करने वाला का सर्वनाश हुआ है। हम लोग एक दूसरे के सहयोगी बन के रहे हैं। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो रामायण लिखा गया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो महाभारत लिखा गया। उसी तरह से आज हमारे हिंदुस्तान की आवश्यकता है उन व्यक्ति की आवाज को बुलंद करने का, जिन्होंने हम सबों को एक दूसरे को आवाज देने का काम किया है। और आज विरोधी के षड्यंत्र के कारण राजी जेल में कैद कर रखे हुए हैं, लेकिन वो समय दूर नहीं जब वो आप लोगों के बीच में रहेंगे। तब तक हम लोग का धर्म, हम लोग का कर्म, हम लोग का अपने अपने का विचार एक दूसरे को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे बिहार के नेता हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सभी भाई बंधु मिलकर उन्हें बिहार का नेता ही नहीं देश का नेता और राष्ट्र का नेता बनाने का काम करें।